हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का वीडियो अगर मैं बोलूं कि DIY वीडियो है या क्राफ्ट वीडियो है तो गलत होगा। आज का वीडियो है फीलिंग्स का, जज्बात का, जिनसे हम प्यार करते हैं ना उन्हें स्पेशल फील कराने का। तो कुछ दिन बाद ना मेरी सिस्टर की डॉटर का बर्थडे है, तो मैंने सोचा चलो उसे कुछ सरप्राइज देते हैं, कुछ अपने हाथों से क्रिएट करके उसके लिए बनाती हूँ और उसको अपनी फीलिंग्स जो मैं उसके लिए एक्सप्रेस करना चाहती हूँ वो उसको देती हूँ, उसे वॉर्म फील कराती हूँ। तो बाजार से लाकर तो हम किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन देखिए जब हम अपने हाथों से किसी के लिए कुछ बनाते हैं ना और उसे गिफ्ट करते हैं, तो उसमें जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी जज्बात हैं और जो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो छुपा होता है। और जब भी वो उसे देखेंगे या सोचेंगे तो उनको भी कितना स्पेशल फील होगा कि मेरी मासी ने या मेरे चाहने वाले जिसने भी मेरे लिए ये स्पेशल तैयारी करी थी, बनाया था अपने हाथों से। तो आप भी अपने सन, डॉटर या जिनसे भी प्यार हैं तो आप उनके लिए भी कुछ इस तरीके से स्पेशल प्लान कर सकते हैं और उन्हें वॉर्म फील करा सकते हैं। तो बस कुछ मैंने भी इसी तरीके की तैयारी करी है, उसके लिए कुछ बनाया है जिससे उसे सरप्राइज मैं दे सकूं। तो मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था क्योंकि मैं इस टाइम बहुत बिजी थी, लेकिन मेरे पास जितना भी टाइम था ना उस टाइम पीरियड में मैंने कोशिश की है कि मैं उसके लिए कुछ बनाकर उसको सरप्राइज दे सकूं। तो जो भी मैंने बनाया है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा और आप जिन्हें प्यार करते हैं अगर आप उनके लिए इस तरीके का कुछ बनाएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो मैंने किसी के लिए कुछ बनाया और मेरा देख के कुछ लोगों ने अपने प्यार करने वाले, अपने चाहने वालों के लिए बनाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं कि मैंने क्या बनाया है और मैं किस तरीके से उसे सरप्राइज देने वाली हूँ। तो मैं ना बर्थडे की डेकोरेशन के लिए अपने हाथों से कुछ बनाना चाहती थी, तो उसके लिए मैंने कुछ सोच रखा था और मैंने कलर और थीम भी डिसाइड कर लिया था। तो मैंने पर्पल और पिंक कलर का थीम रखा था, उसमें थोड़ा सा गोल्डन भी शेड दिया है। और ये पेपर लिए थे मैंने पर्पल पिंक कलर के और एक गोल्डन पेपर भी लिया था। और मैंने ना उसके कुछ पिक्चर इस तरीके से निकलवा लिए थे, ये आप आसानी से फ़ोटो किसी फ़ोटो वाले से या फिर आप प्रिंटर वाले से इजी निकलवा सकते हो। और बस इस फ़ोटो पे मैं ग्लू लगाकर इसको पेपर पे इस तरह से स्टिक कर दूँगी और इसको कट कर लूँगी। इसके बाद मैं लूँगी गोल्डन पेपर और गोल्डन पेपर पर इस फोटो को ग्लू के हेल्प से मैं स्टिक कर दूँगी और इसे भी कट कर लूँगी। हाँ, गोल्डन पेपर थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा रखना है ऊपर की तरफ क्योंकि उसमें हम बाद में एक डोरी अटैच करेंगे, इसलिए हमें गोल्डन पेपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके चलना है।
देखिए मैंने अलग अलग पेपर पर गोल्डन कलर के पेपर पर लगाकर सभी को ये फोटोज स्टिक कर लिए और इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया। उसके बाद मैं ले रही हुई ये डोरी और अब इस डोरी पर मैं इन सभी फ़ोटो को अटैच कर दूंगी। देखिए ये कुछ इस तरीके से तैयार होगा। आप इसे वॉल पे या कहीं पर भी इजीली हैंग कर सकते हो डोरी की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं अब एक और फोटो फ्रेम बना रही हूँ और इसको भी हम वॉल पे हैंग करेंगे। तो इसके लिए ना मैं ले रही हूँ आइसक्रीम स्टिक्स और आइसक्रीम स्टिक्स को मैं ग्लू की हेल्प से एक दूसरे से ज्वाइन कर दूंगी और हम इसको शेप देने वाले हैं हर्ट का, यानी कि इसको झोपड़ी का एक आकार देने वाले हैं। और देखिए इस तरीके से बस हमें ग्लू लगाना है और आइसक्रीम स्टिक्स को एक दूसरे से इस तरीके से जॉइंट कर देना है। ग्लू लगाने के बाद मैंने इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था और अब अच्छे से ड्राई हो गया ये। तो अब हम लेंगे एक फ़ोटो और फोटो को ना हम ग्लू की हेल्प से इसके पीछे स्टिक कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा ना फोटो का उसको हम सीजर से कट कर देंगे। देखिए फ़ोटो लगाने के बाद अब मैं इसमें एक डोरी बांध दूंगी और पॉम पॉम और मिरर की हेल्प से इसको डेकोरेट कर दूंगी। आप जैसी क्रिएटिविटी करना चाहें आप इस पर अपने तरीके से क्रिएटिविटी और कर सकते हो। मैंने यहाँ पॉम पॉम और मिरर लगा कर इसको डेकोरेट किया है और डोरी की हेल्प से हम इसको वॉल पे हैंग कर पाएंगे। तो ये हमारा एक हैंगिंग फ़ोटो फ्रेम तैयार हो गया। तो अब मैं जो बनाने जा रही हूँ उसके लिए देखिए मैंने पिंक पर्पल सारे पेपर ले लिए हैं और उनको एक स्ट्रैप्स में काट कर इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और अब मैं इन पर एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और इस सर्कल को मैं कट कर लूँगी।
कुछ इस तरीके से मैंने बहुत सारे सर्कल निकाल लिए थे और अब इनको ना मैं इस डोरी पर, एक डोरी लेकर उस पर इस तरीके से देखिए टेप की हेल्प से लगा दूंगी और मैं यहाँ पर पिंक, फिर पर्पल, फिर डार्क पिंक इस तरीके से इनको लगा रही हूँ। आपको जैसे ठीक लगे, आप भी अगर बनाते हो तो आप जैसा ठीक समझो, आपको जैसी थीम रखनी है, जैसे कलर ऐड करने हैं, आप उस हिसाब से कलर ऐड कर सकते हो। देखिए सभी सर्कल को लगाने के बाद मैंने इसको सीधा कर लिया और उस पर मैं अब मिरर लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो मिरर की जगह इसमें मोती भी लगा सकते हैं। तो मुझे इसको थोड़ा अलग लुक देना था तो इसलिए मैं इसमें मिरर ऐड कर रही हूँ। मिरर लगाने के बाद ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी और इसी तरह की मैंने कई सारी डोरी बनाकर रेडी कर ली। अब बना रही हूँ मैं एक हैप्पी बर्थडे बैनर, तो उसके लिए मैंने एक थिक पेपर पर बेबी पिंक पेपर को लगा दिया था और मैंने कुछ ऐसी शेप रखी है और उसके ऊपर मैंने ये पर्पल पेपर लगा दिया। आप जैसे चाहो वैसे देखिए, जो मैंने सर्कल बनाए थे तो उन्हीं सर्कल को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इन सर्कल को ग्लू की हेल्प से इसकी बॉर्डर लाइन पर लगा दूंगी। सर्कल लगाने के बाद उन पर मैंने मिरर लगाकर उन्हें डेकोरेट कर दिया और ये फोटोज़ लेकर इनको मैं साइड में इस तरीके से लगा दूंगी। और देखिए मिठाई के डिब्बे में ये गोल्डन पेपर आता है ना, इस पर हैप्पी बर्थडे लिखकर मैंने अल्फ़ाबेट निकाल लिए थे और इन अल्फ़ाबेट को मैं इस पर लगा दूंगी और एक प्यारा सा बैनर हमारा तैयार हो गया।
तो कुछ इस तरीके से मैंने उसके बर्थडे की डेकोरेशन करी। मैंने सारी थीम पर्पल और पिंक रखी थी और डेकोरेशन देखकर वो इतनी हैप्पी थी और इतनी खुश थी। उसकी खुशी देखते मुझे बहुत खुशी हुई। उसने मुझे थैंक यू बोला और बोला मासी माँ आपने मेरे लिए कितना अच्छा बनाया है, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उसको हैप्पी करा कर। और आप भी ना कुछ इसी तरीके से क्रिएट करके अपने लव वंस को जिन्हें आप प्यार करते हो स्पेशल फील करा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। मेरी मौसी को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए।